चलिए दोस्तों, आज अपन शुरू करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज फॉर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। इसके भी अपन 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं अपना सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है। इन ए थिन सिलेंड्रिकल शेल द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू हुप स्ट्रेस इज। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू हुप स्ट्रेस। व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इन केस ऑफ थिन सिलेंड्रिकल शेल इज, इट इज पीडी अपॉन 40। वही अगर मैं बात करूं हुप स्ट्रेस की तो इट इज स्पीडी अपॉन 2t। और अपना थिन सिलेंड्रिकल शेल्स कौन सी होती है, जिनकी जो थिकनेस होती है दैट इज लेस देन 10 by d/10 टू d/15। मतलब जिनकी थिकनेस, उनके डायमीटर को डिवाइड करते हैं 10 से या 15 से, उनके बीच में अगर उसकी थिकनेस है या फिर उससे कम है, सॉरी उससे कम है, तो अपन इस तरह की जो सिलेंड्रिकल शेल्स है उनको क्या बोलेंगे, थिन सिलेंड्रिकल शेल्स। ठीक है, तो P is the internal pressure, D is the diameter of the shell and 2 is the numeric value, T is thickness of shell। तो इस केस में दोनों का रेशियो पूछा है अपने को, तो सिंपली रेशियो निकाल देंगे। किसका किसके साथ पूछा है, रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू हुप स्ट्रेस। तो कितना आ जाएगा रेशियो, सिग्मा एल अपॉन सिग्मा एच पी डी अपॉन 2t। 2 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, कितना आ गया 0.5। तो 0.5 A would be the correct answer। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, द रिलेशनशिप बिटवीन यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E, बल्क मॉडुलस K एंड द पॉइजंस रेशियो म्यू इज गिवन बाय। इन तीनों वेरिएबल्स के बीच में या फिर इन तीनों कांस्टेंट्स के बीच में जो अपना रिलेशन है वो क्या है, वो बताना है अपन को। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन पता होगा इसलिए मैंने पुट किया है, बट इसका एक दूसरा रीजन भी है ये क्वेश्चन यहाँ डालने का। वैसे तो सबको पता है कि आंसर वुड बी सी ऑप्शन, इक्वल टू 3k1 - 2μ। ठीक है, इस क्वेश्चन में, बट अपन इस केस में क्या देखने वाले हैं कि हाउ डू वी कम टू विद दिस रिलेशन, अपने पास ये रिलेशन आता कैसे है, वो थोड़ा सा अपन फटाफट देख रहे थे क्योंकि इसकी जरूरत आपको कन्वेंशनल क्वेश्चन में पड़ सकती है। ठीक है, तो जल्दी से थोड़ा सा ये देख लेते हैं इसका डेरिवेशन छोटा। क्या प्रूव कर रहे हैं अपन को, E इज इक्वल टू 3k1 - 2μ। इसके लिए देखिए आप, ये कोई एलिमेंट अपने पास टू डायमेंशनल, ये सॉरी 3 डायमेंशन की अपन बात करेंगे। यहाँ पे अगर स्ट्रेस लग रहा है सपोज सिग्मा एक्स, यहाँ स्ट्रेस लग रहा है सिग्मा वाई एंड इन दिस डायरेक्ट सिग्मा जेड। 3 डायमेंशनल एलिमेंट अपन ने लिया है। अपन प्रूव करना चाहते हैं क्या कि E = 3k1 - 2μ। E क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। K क्या होता है, बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस क्या होता है, डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और म्यू अपना क्या है, पॉइजंस रेशियो। ठीक है, ये डायग्राम आई गेस आपको दिख रहा होगा इसमें, तो ये चलिए देखते हैं। थोड़ा सा मैं नीचे बना देता हूँ ताकि विजिबल रहे। कुछ नहीं, अपन ने क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या किया, अपन एक एलिमेंट ले रहे हैं कुछ इस तरीके से, 3 डायमेंशनल एलिमेंट लिया है जिस पे स्ट्रेस लग रहा है एक्स डायरेक्शन में सिग्मा एक्स, वाई डायरेक्शन में लग रहा है सिग्मा वाई एंड जेड डायरेक्शन में लग रहा है सिग्मा जेड। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं निकालना चाह रहा हूँ स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, जिसको मैं एप्सिलॉन ई एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एप्सिलॉन एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई और माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई। ये सब आपको पता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ रखा है कि जिस डायरेक्शन में स्ट्रेस लग रहा है उसके साथ म्यू आ जाएगा, दूसरा जिस जो जो बाकी डायरेक्शन में जो स्ट्रेस लग रहे हैं उनके साथ अपना म्यू आ जाएगा। दूसरा तरीका आपको मैं याद करने का बताता हूँ या फिर समझने का बताता हूँ। आप इस इक्वेशन को अगर x डायरेक्शन लिखना है तो x डायरेक्शन में स्ट्रेन की वैल्यू आप सिग्मा अपॉन ई लिख दीजिए, बाकी साथ म्यू लगा दीजिए। ठीक है, और माइनस माइनस आपको लगाना है। अगर चेंज कब होगा, अगर ये टेंसाइल की बजाय अगर कंप्रेसिव हो तो कंप्रेसिव के लिए अपन क्या पुट करते हैं, नेगेटिव। तो यहाँ पे सिग्मा जेड क्या बनूंगा, नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो आप ध्यान रखिए बाय डिफॉल्ट आपको नेगेटिव रखना है, और बाकी जो अपोजिट दो डायरेक्शन है जैसे इस डायरेक्शन में कंसर्न डायरेक्शन एक्स है तो वाई और जेड के साथ मेरे को म्यू लगाना है और नेगेटिव साइन रखना है। अगर स्ट्रेस का जो नेचर है वो चेंज होता है, अगर वो कंप्रेसिव हो गया तो डेफिनेटली आई विल हैव टू पुट नेगेटिव साइन इन फ्रंट ऑफ इट, तो नेगेटिव नेगेटिव वुड कम आउट टू बी पॉजिटिव। तो वो चेंजेस आप कर सकते हैं। ठीक है, ये एप्सिलॉन एक्स हो गया, सिमिलरली अगर मैं आपको चाहूँ एप्सिलॉन वाई बताए क्या होगा, वो हो जाएगा अपना सिग्मा वाई अपॉन ई, ये तो म्यू का यू आ जाएगा, माइनस म्यू बाकी की डायरेक्शन के साथ क्या लग जाएगा, सिग्मा माइनस म्यू, क्योंकि इस केस में क्या है, दोनों क्या है, सब टेंसाइल है, तो अपन नेगेटिव का नेगेटिव रखेंगे। ठीक है, अगर एप्सिलॉन जेड पूछा जाए तो सिग्मा जेड अपॉन ई उस डायरेक्शन वाले के साथ म्यू का यू माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई।
आगे बात समझ में, ये आपने क्या किया, ये आपने स्ट्रेन निकाल लिया इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन, ये आप नोट कर लीजिए, मैं यहाँ से मिटाऊंगा इस चीज को। तीन इक्वेशन नंबर डाल लेना चाहिए, इक्वेशन नंबर 1, 2, 3। तो ये अपन ने स्ट्रेन निकाल लिया एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन में। अब मैं क्या चाह रहा हूँ आपसे, आप इसका वॉल्यूम बताइए मेरे को क्या, अगर ये इसकी लेंथ है, इफ दिस इज द लेंथ ऑफ दिस क्यूबॉइड, दिस इज विड्थ एंड इफ दिस इज द डेप्थ, तो मैं क्या कह रहा हूँ वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाएगा मेरा एल इंटू बी इंटू डी। कोई गलती की अपन ने अभी तक कुछ भी नहीं किया गलती। अगर मैं चेंज इन वॉल्यूम निकालना चाहता हूँ तो चेंज इन वॉल्यूम के लिए क्या करूँगा, इनको अलग अलग डिफरेंशिएट करना पड़ेगा मेरे को। सबसे पहले अगर मैं जो लेंथ ले लेता हूँ उसको ले लेता हूँ, बी और डी मेरे कॉन्स्टेंट रहेंगे, तो बी इंटू डी डेल्टा एल, प्लस दूसरी बार क्या हो जाएगा विड्थ में चेंज देखूंगा तो एल और डी कॉन्स्टेंट हो जाएंगे और डेल्टा बी। सिमिलरली अगर डी में देखना चाहता हूँ तो एल और बी कॉन्स्टेंट और डेल्टा डी, ये मैंने चेंज निकाल लिया वॉल्यूम में। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड को वॉल्यूम से डिवाइड कर दे रहा हूँ, यहाँ पे भी वॉल्यूम से डिवाइड कर दो और इन सबको भी वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, हर एक टर्म वॉल्यूम से डिवाइड होगी और वॉल्यूम मेरी क्या है एल बी डी, तो यहाँ पे सिंपली एल बी डी कुछ कर सकता हूँ मैं हर एक टर्म के नीचे, एल बी डी एल बी डी और एल बी डी। देखिए लेंथ जो है वो किस डायरेक्शन में, अपनी एक्स डायरेक्शन में, और विड्थ है वो अपनी वाई डायरेक्शन में, और सॉरी विड्थ जो है अपनी वो अपनी जेड डायरेक्शन में, और वाई डायरेक्शन में अपनी क्या है डेप्थ, ठीक है। आगे बात समझ में, तो यहाँ से डेल्टा वी अपॉन वी, ये क्या कहलाएगा मेरा चेंज इन सम डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन इज कॉल्ड एज स्ट्रेन, तो ये मेरा क्या कहलाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फॉर दिस पर्टिकुलर एलिमेंट। यहाँ से बी डी से बी डी कट गया, डेल्टा एल अपॉन एल बच गया, प्लस डेल्टा बी अपॉन बी भी बच जाएगा सिमिलरली, और प्लस डेल्टा डी अपॉन डी बच जाएगा। आगे बात समझ में, ये तीनों अपने पास बच जाएगी, ये तीनों क्या है, These are strain in three different direction. L अगर x direction में है तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, volumetric strain is equals to volumetric strain in x direction plus volumetric strain in y direction plus volumetric strain in z direction. ये दोस्तों ये equation आपको रटना नहीं है, ये रटना नहीं है, क्योंकि अगर suppose ये तो अपन ने cuboid लिया, अगर मैं एक circular rod लेता उस केस में वॉल्यूम होता π/4 डी स्क्वायर इंटू एल, तो वहां पे अगर चेंज इन वॉल्यूम में निकालता तो वहां पे अलग चीज आती, डायमीटर का अलग आता और लेंथ का अलग आता। तो ये फॉर्मूला हर जगह आपको यूज नहीं करना, आपको देखना है फॉर द पर्टिकुलर एलिमेंट जो आप कंसिडर कर रहे हैं उसकी वॉल्यूम क्या है, बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू अप्लाई द स्ट्रेन फॉर्मूला, ठीक है, वो उसके हिसाब से आपको चेंजेस देखने हैं अलग अलग डिफरेंशिएट करके। So for this particular condition, I am getting epsilon V, that is volumetric strain for this element when it is subjected to three dimensional stresses in such a way that sigma x, sigma y and sigma z तीन direction में अपने अलग अलग apply हो रहे हैं, तो उस केस में volumetric strain क्या आएगा, summation of strain in x direction, y direction and z direction. अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था व्हाट इज एप्सिलॉन एक्स, व्हाट इज एप्सिलॉन वाई एंड व्हाट इज एप्सिलॉन जेड, उठा के इन सबको वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तीनों इक्वेशन मैंने आपको बताई थी ना वो यहाँ पे पुट कर दोगे तो फाइनली आपके पास क्या आएगा इक्वेशन, वो मैं आपको बता देता हूँ फाइनली क्या इक्वेशन आएगी अपने पास, आएगी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपॉन ई, और आ जाएगा साथ में 1 माइनस 2 म्यू, ये फाइनल वैल्यू आपके पास आएगी, ठीक है। अब देखिए ये जनरल इक्वेशन आ गई अपने पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के लिए। अब मैं कह रहा हूँ ये जो अपन ने केस लिया था थ्री डायमेंशनल केस में, ये कुछ इस तरीके से है कि तीनों स्ट्रेसेस, ऑल द स्ट्रेसेस आर, इफ आई से अगर नोट लगा दूँ, कंडीशन है क्योंकि कंडीशन के बेस पे ही अपन वो इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं, नोट क्या लिखेंगे आप, इफ ऑल द स्ट्रेसेस कौन से, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड, ऑल द स्ट्रेसेस are equal and alike. इसका मतलब क्या हुआ, उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और सब एक ही तरह की नेचर के हैं, सब या तो टेंजाइल है सब या फिर कंप्रेसिव है, मैं टेंजाइल मान रहा हूँ, सारे के सारे स्ट्रेसेस टेंजाइल हैं और सबकी वैल्यू भी एक है, कहने का मतलब इससे क्या कंक्लूजन निकला, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू सिग्मा वाई इज इक्वल टू सिग्मा जेड, सपोज मैंने इसको मान लिया सिग्मा, तीनों की वैल्यू मैंने मान ली सिग्मा, तो यहाँ से एप्सिलॉन वी क्या निकल के आ जाएगा मेरा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू 3 सिग्मा अपॉन ई 1 माइनस 2 म्यू। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों, 3 सिग्मा अपॉन ई 1 माइनस 2 म्यू। अब देखिए यहाँ पे ये इसको आप इक्वेशन लिख दीजिए एक नंबर। अब एक चीज और देखिए, मैंने आपको बताया था बल्क मॉडुलस, अपनी इक्वेशन में बल्क मॉडुलस का भी जिक्र है के, अब अपन को के को भी इसमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा तभी अपन वो रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। व्हाट इज बल्क मॉडुलस, के व्हाट इज बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस इज
डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. ये कहता है बल्क मॉडल्स की डेफिनेशन क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. तो यहां से मैं अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालता हूं तो सिग्मा अपॉन किया जाता है. इसको मैं दो नंबर नाम दे देता हूं. इक्वेशन एक और दो दोनों को कंपेयर कर दो, दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है तो दोनों की राइट साइड भी इक्वल होनी चाहिए. तो अगर यहाँ पे कंपेयर करोगे दोस्तों तो आपके पास क्या आ जाएगा, ऊपर लिखते हैं थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ क्योंकि फाइनली अब अपना डेरिवेशन कंप्लीट होने वाला है. यहाँ से सिग्मा के, सिग्मा डिवाइडेड बाई के इज इक्वल टू 3σ/E 1-2μ. सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो गया, बच गया क्या, E is equals to 3K 1-2μ. आ गया कि नहीं आ गया. तो ये कब आया, जब अपने कंसीडर किया था व्हेन द इन ऑल द डायरेक्शन स्ट्रेसेस अप्लाइड आर इक्वल एंड अलाइक, उनका मैग्नीट्यूड सेम है और वो एक ही नेचर के हैं, या तो वो टेंसाइल है कंप्रेसिव, अपन ने टेंसाइल माना था, तब अपन इस इक्वेशन पे आ पाए. तो ये इक्वेशन मैंने इसलिए क्वेश्चन रखा था, इक्वेशन आपको पता रहती है, न्यूमेरिकल सॉरी अगर पूछा जाएगा तो छोटा सा न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, वैल्यू दी होगी आप निकाल सकते हैं, बट ये कन्वेंशनल के लिए भी ठीक है, आपके लिए आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे अपन इसको डिराइव किया, अपन कैसे इसको इक्वेशन तक पहुंचे. चलिए आगे बढ़ते हैं. चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है. क्वेश्चन नंबर थ्री, टू बार्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स आर ऑफ द सेम साइज एंड आर सब्जेक्टेड टू सेम टेंसाइल फोर्सेस. दोनों का साइज सेम है मतलब डायमीटर सेम है, अगर ग्राउंड बार मैं मानता हूं तो दोनों का डायमीटर सेम है एंड आर सब्जेक्टेड टू सेम टेंसाइल फोर्सेस, और दोनों फोर्सेस भी दोनों में सेम अप्लाई किया गया. ठीक है, इफ द बार्स हैव यूनिट एलोंगेशंस इन द रेशियो ऑफ 4:7, अगर मैं बात करूं इनके स्ट्रेन के रेशियो की, दैट इज गिवन टू अस एज 4:7, देन द रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ टू मटेरियल्स इज, मटेरियल डिफरेंट है. देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री, मटेरियल डिफरेंट है, मटेरियल डिफरेंट है मतलब इनका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिफरेंट होगा. दोनों का फोर्स जो है, टेंशन फोर्स है, उसकी फोर्स की जो अगर मैं बात कर रहा हूं वो दोनों में सेम है, P अगर दोनों में सेम है और दोनों का एरिया भी सेम है, एरिया भी सेम है, तो मैं बात करूं अगर स्ट्रेस, स्ट्रेस अपना क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो दोनों का स्ट्रेस भी सेम होगा. अब देखिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का रिलेशन क्या होता है, सिग्मा अपॉन स्ट्रेस, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का रेशियो होता है. तो अब अपन को रिलेशन डेवलप करना है इन दो के बीच में, अगर ये कांस्टेंट है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, E is inversely proportional to strain, that is modulus of elasticity is inversely proportional to strain. तो E1 upon E2 अगर मैं कर दूंगा तो सिंपली मेरे पास epsilon 2 inversely है ना, तो यहाँ आ जाएगा epsilon 2 upon epsilon 1. अब देखिए modulus of elasticity का रेशियो अपन को पूछा है और स्ट्रेन का रेशियो अपन को दिया हुआ है, एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 2 अपन को दिया हुआ है 4:7, तो अपन को E1 अपॉन E2 निकालना है, तो जस्ट इसका क्या हो जाएगा, उल्टा 7:4, क्योंकि ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और स्ट्रेस जो अपना वो कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो अपना ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर. चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ए पॉइंट इन ए स्ट्रेन बॉडी इज सब्जेक्टेड टू ए टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ 100 MPa. चलिए डायग्राम बनाते चलते साथ में. क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इन ए स्ट्रेन बॉडी, सपोज एक मैंने स्ट्रेन बॉडी ये ले ली, थोड़ा बड़ा लेते हैं, ये अपने पास एक स्ट्रेन बॉडी है, ठीक है, इट इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ 100 MPa, दिस इज 100 MPa सपोज, एंड ऑन वन प्लेन एंड ए टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ 50 MPa ऑन ए प्लेन एट राइट एंगल टू ई, इसके राइट एंगल कौन सा प्लेन हो गया, ये यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस कितना लग रहा है, 50 MPa, ठीक है. If these planes are carrying shear stress of 50 MPa, तो shear stress भी लग रहा है इसमें, तो कितना लग रहा है, 50 MPa. Then the principal stresses are inclined to the larger normal stress. तो इस plane से लगने वाला एक plane वो जिस पे अपने principal stress act कर रहे हैं, वो angle अपन को find out करना है. Then the principal stresses are inclined to the larger normal stress. लार्जर नॉर्मल स्ट्रेस कौन सा अपना 100, इससे कितने एंगल पे इंक्लाइंड है अपना वो प्लेन जहां पे अपने प्रिंसिपल स्ट्रेसेस लग रहे हैं. कहने का मतलब जहां पे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कौन से होते हैं, दीज आर दो स्ट्रेसेस व्हिच आर एक्टिंग ऑन ए प्लेन वेयर शियर स्ट्रेसेस इज जीरो. सो आई कैन डेफिनेटली से ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेन, अगर मैं इसको नाम दे दूं ए बी और यहां पे निकलने वाले सपोज स्ट्रेस अपने ये हैं
इस तरीके से स्ट्रेस में दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक एलिमेंट लेंगे, एक तो ये प्लेन, एक तो ये स्ट्रेस आ जाएगा और इसके राइट एंगल पे ये आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये दो स्ट्रेस इस तरीके से हैं कि इन प्लेन पे अपना कोई भी शियर स्ट्रेस एक्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए ये जो प्लेन अपना क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल प्लेन। आगे बात समझ में। अब चलेंगे दोस्तों अपने बेसिक इक्वेशन पे। देखिए बेसिक इक्वेशन अपनी क्या कहती है, जब अपन को एक एलिमेंट पे दो स्ट्रेसेस दिए हुए हैं और शियर स्ट्रेसेस दिया हुआ है, तो एट एनी एंगल अपन को अगर क्या निकालना है, स्ट्रेसेस, शियर स्ट्रेस निकालना है, तो मैं क्या फॉर्मूला यूज करता हूं, टॉ एक्स वाई, टॉ एक्स डैस वाई डैस, या फिर टॉ डैस, क्योंकि टॉ तो इसमें ऑलरेडी अपन ले रहे हैं, इज इक्वल्स टू माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय 2। यहां से थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं, क्योंकि अपन को आपको पता चल गया इस प्लेन पे निकालना है, माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय 2 साइन 2 थीटा प्लस टो एक्स वाई कॉस 2 थीटा। ये टो एक्स वाई कितना है, ये 50 वाला, और ये कितना है, ये अपन को इस प्लेन पे निकालना है। और अभी अभी मैंने क्या कहा दोस्तों, इस प्लेन पे ये प्लेन प्रिंसिपल प्लेन तभी कहलाएगा जब इस प्लेन पे लगने वाला शियर स्ट्रेस अपना जीरो होगा, तभी तो ये प्रिंसिपल प्लेन कहलाएगा। इसका मतलब अगर मैं टो एक्स डैश, ये जो टो डैश एक्स वाई की वैल्यू अगर मैं जीरो पुट कर दूं, तो आई कैन डेफिनेटली गेट द एंगल ऑफ दैट प्लेन। कैसे करेंगे देखिए, अब चूंकि ये प्लेन क्या हो गया मेरा प्रिंसिपल प्लेन, तो टो एक्स वाई एस टो डैश एक्स वाई एस टू बी जीरो, तो ये जीरो हो गया, तो ये इक्वेशन इधर आ जाएगी, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, टो एक्स वाई कॉस टू थीटा cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू, ये इधर आ गई, या फिर इसको ले आओ, मैं नेगेटिव है तो ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय 2 sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू tau एक्स वाई cos 2 थीटा। अब यहां से sin 2 थीटा अपॉन cos थीटा कितना हो जाएगा, tan 2 थीटा। तो डायग्राम आपको समझ में आएगा होगा, ये मैं यहां से रब कर देता हूं। अच्छा क्वेश्चन है ये, तो देखिए क्या हो गया अपना, तो x y को जीरो पुट कर दिया, तो sin थीटा cos थीटा दैट इज tan 2 थीटा दैट इज इक्वल्स टू तो x y अपॉन सिग्मा x माइनस सिग्मा y डिवाइडेड बाय 2। ये बच गया बस अपने पास, तो बस अब सिंपली क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है जो अपन को इक्वेशन में दी गई है। सिग्मा x दिया हुआ है 100, सिग्मा y दिया हुआ है 50, 100 माइनस 50 52 25, और ऊपर कितना है 50, 50 बाई 2 25 2, तो tan 2 थीटा कितना आ गया अपने पास 2, 2 थीटा कितना आ जाएगा tan इनवर्स 2, एंड थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई 2 tan इनवर्स 2। बताओ इसमें क्या दिक्कत थी, अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था कि भाई प्रिंसिपल प्लेन पूछा अपन, अब प्रिंसिपल प्लेन अगर उस एबी प्लेन को मेरे को प्रिंसिपल प्लेन करना है, तो डेफिनेटली उस पर लगने वाला जो शियर स्ट्रेस होगा उसकी वैल्यू जीरो होगी, और इक्वेशन मेरे को पता होता है शियर स्ट्रेस एट एनी एंगल शियर स्ट्रेस फाइंड आउट करने की, उस इक्वेशन में शियर स्ट्रेस को जीरो पुट कर दो और आंसर अपना निकल के आ जाएगा, एंगल निकल के आ जाएगा उस पर्टिकुलर प्लेन का, प्रिंसिपल प्लेन का, फ्रॉम द मेजर प्रिंसिपल, सो फ्रॉम द मेजर स्ट्रेस कितना था 100 इस केस में। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5th, पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, द रेडियस ऑफ मोर सर्किल फॉर टू इक्वल अनलाइक प्रिंसिपल स्ट्रेसेस ऑफ मैग्नीट्यूड पी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5th, टू अनलाइक प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, सपोज सिग्मा 1 इज सिग्मा, मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है, द रेडियस ऑफ मोर सर्किल फॉर टू इक्वल अनलाइक, इक्वल मतलब मैग्नीट्यूड इक्वल है बट उनका नेचर डिफरेंट है, सपोज प्रिंसिपल स्ट्रेस को मैंने सिग्मा मान लिया, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस को मैंने नेट कंप्रेसिव मान लिया, तो ये मैग्नीट्यूड तो इक्वल हो गया ना, सिग्मा सिग्मा, नेचर अलग अलग हो गया, अनलाइक का मतलब एक टेंसाइल है एक कंप्रेसिव, तो इस केस में अगर ऐसी सिचुएशन है तो मोर सर्किल की रेडियस कितनी होगी, अब देखिए मोर सर्किल अपन को ड्रॉ करना है, वाई एक्सिस पे अपना शियर स्ट्रेसेस और एक्स एक्सिस पे अपना नॉर्मल स्ट्रेसेस। देखिए अपन कैसे करते थे, अगर मैं जनरल मोर स्ट्रेसेस की बात करूं, तो देखिए मोर सर्किल की बात करूं कुछ इस तरीके से होता है, ये पॉइंट अपना क्या होता है एक्स एक्सिस पे सिग्मा 1 दैट इज प्रिंसिपल मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, सिग्मा 3 क्या होता है माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, तो सिग्मा 1 तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस होगी सिग्मा 1, सिग्मा 3 यहां से यहां तक की डिस्टेंस होगी, तो अगर मैं सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 कर दूं तो ये डायमीटर मेरे पास आ जाता है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3, अगर रेडियस निकाल दूं तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइडेड बाय 2। ये तो एक जनरल केस की मैंने बात किया, बट अपने वाला जो केस है वो थोड़ा सा अलग है, वो क्या कह रहा है देखिए, और यहां पे ये देखिए सिग्मा की वैल्यू, सिग्मा को अपन ने नाम दिया पी, ये जो पी नाम दिया स्ट्रेस ये पी है, ठीक है, एक पी ले लो और एक माइनस पी ले लो, कुछ भी ले लो आप अपने नाम का सर जो इनिशियल लेटर है वो भी ले सकते हैं, कुछ भी ले लो, ये पी और ये माइनस पी,
अब देखिए अपन ड्रॉ करते हैं मोड सर्किल इस केस के लिए। देखिए पहला जो सिग्मा वन है वो कितना है, पी, सेंटर से पी डिस्टेंस मैंने ये ले ली। ये पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन होती है। दिस इज पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, दिस इज नेगेटिव वाई डायरेक्शन। सेंटर से पी डिस्टेंस में मैंने एक पॉइंट ले लिया, अपना सिग्मा वन आ गया। सिग्मा थ्री क्या कह रहा है, माइनस पी, दैट इज इन ऑन द लेफ्ट साइड कितना आ रहा है। अब भाई ये नॉर्मल स्ट्रेस ही है, नॉर्मल स्ट्रेस तो एक्स एक्सिस पे ही रहना है। अब माइनस पी मतलब इतना ही इक्वल अमाउंट इस डायरेक्शन में, ये आएगा मेरा सिग्मा थ्री, ये आएगा मेरा सिग्मा वन। ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन करते हुए मैं एक सर्किल ड्रॉ कर दूंगा, वो मेरा इस केस के लिए मोहर सर्किल बन जाएगा। बन गया कि नहीं बन गया सर्किल इस केस के लिए? बन गया। और पूछा गया आपने इस केस में द रेडियस ऑफ दिस मोहर सर्किल, तो इस केस में रेडियस कुछ आपको डिफिकल्टी हो रही फाइंड आउट करने, रेडियस इज इतना अमाउंट, दिस इज रेडियस और ये कितना है पी। अगेन मैं सिग्मा वन सिग्मा, तो यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा वन इज टू पी, सिग्मा थ्री इज टू माइनस पी। तो ये डिस्टेंस कितनी है, मैग्नीट्यूड की बात करो तो सिर्फ रेडियस चारों तरफ कितना है पी, तो रेडियस कितना आ गया पी। ठीक है, रेडियस आ गया अपना पी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पान एल कैरीज ओवर इट्स फुल स्पान ए लोड बेयरिंग लीनियरली फ्रॉम जीरो एट ईदर एंड डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ एट मिड स्पान। अच्छी बात, द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अकर्स एट, सो वी नीड टू फाइंड आउट द पॉइंट वेयर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अकर्स। And the loading condition is given as follows. देखिए किस तरीके से दिया हुआ है, simply supported beam, इस तरीके से ये अपने simply supported beam, और यहाँ पे either end पे zero और maximum कितना दिया हुआ है w per unit length at center। तो इस तरीके से देखिए ये bearing इस तरीके से load है अपना, center पे कितना दिया हुआ है w per unit length, this is w per unit length per unit, ठीक W नाम दे दिया मैंने इसको यहाँ पे किलो न्यूटन पर मीटर। और ये टोटल सपोज अपने पास लेंथ दे रखी है L, और ये कहाँ पे दे रखा है L by 2 डिस्टेंस पे, जो W है एट सेंटर दैट इज L by 2 डिस्टेंस, देख पा रहे हैं ना, यस दिस इज एट L by 2 डिस्टेंस W। तो बस अपन को निकालना क्या था, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अकर्स एट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इस केस में फाइंड आउट करना। चलिए इसको नाम दे दिया ए, मैंने इसको नाम दे दिया बी। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या करते थे, रिएक्शंस फाइंड आउट करेंगे। और सबसे पहले आर ए प्लस आर बी समेशन ऑफ फोर्सेज इन वर्टिकल डायरेक्शन इक्वल्स टू जीरो इक्वेशन पुट कर दूं, तो आर ए प्लस आर बी वर्टिकल, डाउनवर्ड कितना लग रहा है इसका एरिया ले लो, टोटल लोड आ जाएगा हाफ इंटू एल इंटू डब्ल्यू, एज सिंपल एज दैट, दैट इज डब्ल्यू एल बाई टू। अब देखिए आर ए और आर बी और सिमेट्रिकल लोडिंग, अगर आप देखेंगे दिस इज सिमेट्रिकल लोडिंग, इवन इफ अगर आप कैलकुलेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मोमेंट लेके, ए के अबाउट में मोमेंट लेके जीरो करता हूँ, दैट इज आर बी इंटू एल, और माइनस में कितना आ जाएगा हाफ ऑफ दिस टोटल लोड डब्ल्यू इंटू एल, हाफ ऑफ दिस टोटल लोड डब्ल्यू इंटू एल। और ये एक्ट कहाँ कर रहा होगा, देखिए इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेना आप, ये ट्राइंगल अलग ले लेना, ये ट्राइंगल अलग लेना, दोनों का अलग अलग लेके अगर आप मोमेंट फाइंड आउट करेंगे तो मोमेंट अबाउट एक जीरो करोगे तो यहाँ से आपके पास आर भी निकल के आ जाएगा। बट सिंपली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अब यहीं पे आता है कि आपने कितनी प्रैक्टिस की है, आपने कितनी प्रैक्टिस की है, ये अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब होगा क्या कि जिसने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है वो अपने एकदम प्रोसीजर पर चलेगा भाई, स्टार्टिंग से स्टार्ट करेगा, इक्वेशन लगाएगा, आर बी इंटू एल करेगा, ये सब करेगा, वो सब करेगा, फाइनली निकालेगा आर बी, और फिर इस इक्वेशन में वापस पुट भी करेगा कि आर ए कितना है, और आर ए आर बी फाइंड आउट करेगा, और फिर बाद में क्या देखेगा, अरे तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, अगर टोटल डब्ल्यू एल बाई टू नीचे है तो दोनों इक्वली डिवाइड हो जाएंगे, आर ए प्लस आर ए और आर बी कितना आएगा अपना डब्ल्यू एल बाई फोर। क्यों, क्योंकि ये सिमेट्रिकल लोडिंग है। अगर किसी ने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है, उसने देखा सिमेट्रिकल लोडिंग है, इक्वल एक लोडिंग सिमेट्रिकल है, तो दोनों रिएक्शन अपनी इक्वल होंगी, जितना भी टोटल लोड नीचे लग रहा है उसका इक्वली डिवाइड हो जाएगा रिएक्शंस में, इक्वली टोटल लोड कितना लग रहा है डब्ल्यू एल बाई टू, उसका हाफ कितना हो जाएगा डब्ल्यू एल बाई फोर, वो लगेगा आर ए और डब्ल्यू एल बाई फोर लगेगा आर ए। यहाँ पे अपने टाइम की बचत होती है अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो, अदरवाइज कन्वेंशनल तरीका है। तो आर ए आर बी आपके पास कितना आ गया डब्ल्यू एल बाई फोर आ गया। पता करना है मेरे को मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ है, कहाँ है मैक्सिमम मोमेंट, उसके लिए आप क्या कीजिए, ये स्पान ले लीजिए, मैं ए सी स्पान ले रहा हूँ और इसमें मैं मोमेंट की इक्वेशन लगा रहा हूँ एम एक्स एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम दिस पॉइंट, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे मैंने एक सेक्शन ले लिया और यहाँ पे मैं इसकी इक्वेशन लगा रहा हूँ।
अब आप कहोगे साहब कि x डिस्टेंस पे ये जो लोड, जैसे आपको l by 2 पे पता है कि यहाँ w पर यूनिट लेंथ है, बट एट ए डिस्टेंस x आपको नहीं पता, तो बिल्कुल आप क्या पता नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बाई यूजिंग सिमिलर ट्राइंगल मेथड। एक ट्राइंगल तो ये हो जाएगा a, सपोज मैं नाम दे देता हूँ इसको ए बी सी, इस पॉइंट को d दे दिया, इसको e दे दिया और इसको f दे दिया। एक ट्राइंगल ए ई एफ हो जाएगा और एक ट्राइंगल ए डी सी हो जाएगा। देखिए कुछ ज़्यादा बड़ा वो इसमें है नहीं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये ट्राइंगल कंसिडर कर लीजिए और एक ये ट्राइंगल हो गया, ये ट्राइंगल हो गया ये, और एक ये ट्राइंगल हो गया। तो आप ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये फाइंड आउट कर पाएंगे इजिली। चलिए करते हैं अपन। सपोज इसको मैंने नाम दे दिया स्मॉल डब्ल्यू, से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ स्मॉल डब्ल्यू डिवाइडेड बाई दिस कैपिटल डब्ल्यू जो अपन को गिवन है, इक्वल्स टू इसकी लेंथ कितनी है एक्स और इसकी लेंथ कितनी है एल बाई टू। तो यहाँ से अगर मैं स्मॉल w जो कि अपन को रिक्वायर्ड क्वांटिटी थी कितना आ जाएगा w 2w by l into x। ये लो जी साहब क्या देर लगी, फटाफट फाइंड आउट कर दिया ये ऑर्डिनेट अपन ने एट ए डिस्टेंस x। तो क्या करेंगे, फटाफट mx की इक्वेशन लिखो, mx इक्वेशन लिखो फॉर स्पान ac, 2w by l into x आ गया अपने पास, स्मॉल w तो आ गया, दैट इज स्मॉल w, यहाँ जो है वो है स्मॉल w 2w by l into x। अब mx की इक्वेशन लिखो, mx इन स्पान ac, तो ra कितना था wl by 4 into x, और नीचे वाला ये हो जाएगा सैगिंग ऊपर की तरफ ले जा रहा है, और ये जो इस साइड इस सेक्शन से जितनी लोडिंग इधर है वो नीचे ला रहा है, वो हो जाएगा होगिंग, तो इसके लिए नेगेटिव पहले से ही। और टोटल लोड कितना आ जाएगा, हाफ इंटू ये निकाल लिया अपन ने कितना है 2w by L into x, और ये अपने पास है into x। बताओ कहीं कोई दिक्कत मेरे हिसाब से तो अभी तक आपको आनी नहीं चाहिए, ठीक है। ये तो अपन ने क्या किया, टोटल लोड निकाला है, बट अपन को मोमेंट लेना है अबाउट दिस एंड, mx ले रहे हैं ना अपन, इस सेक्शन के अबाउट लेना है। तो यहाँ से इस टोटल ट्राइंगल का जो cg लाई करेगा वो कहाँ करेगा, एट x by 3 डिस्टेंस, तो x by 3 से भी मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। भाई ये जो अमाउंट हुआ वो तो टोटल सिर्फ फोर्स का ही हुआ ना, कि हाफ बेस इंटू हाइट, बेस मेरे पास x है, हाइट ये ऑर्डिनेट मैंने निकाला है 2w by l into x, ये तो फोर्स की क्वांटिटी हुई ना, बट अपन तो मोमेंट निकालना है। मोमेंट के लिए क्या करूंगा, ये एक्ट कहाँ करेगा उसकी डिस्टेंस इस सेक्शन से, और ये ट्राइंगल है तो ट्राइंगल बेस से h by 3 हाइट पे करता है, तो ये x by 3 हाइट करेगा, तो इस सेक्शन से x by 3 डिस्टेंस पे, तो बस ये आ गए। अब देखिए अपन को पूछा क्या है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अकर्स, बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन मेरे पास है, तो मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम मिनिमा यहाँ से आपकी मैथमेटिकल स्किल काम आएगी। सो इफ वी नीड टू फाइंड आउट द मैक्सिमम मिनिमम ऑफ ए पर्टिकुलर वैल्यू या वेरिएबल, वी नीड टू डिफरेंशिएट दैट इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल। मैक्सिमम मिनिमम के लिए मैं क्या करूँगा, इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो डेल एम एक्स डिवाइडेड बाई या फिर डी एम एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो पुट करूंगा, जीरो पुट करूंगा, तो उससे मेरी x की वैल्यू आ जाएगी कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। चलिए इसको मैं जीरो पुट करूंगा तो ये नेगेटिव है, ये इधर आ जाएगा, इसको इक्वल यही कर देता हूं मैं, x टाइम बचा रहा हूं क्योंकि अपने पास आगे जगह नहीं है, x से एक x कट जाएगा, सॉरी सबसे पहले अपन को डिफरेंशिएट करना है इसको, जीरो तो बाद में पुट करेंगे, जीरो तो बाद में पुट करेंगे, यहां पे x सबसे पहले क्या कीजिए आप dmx dx निकालिए, तो पहली वाली टर्म का wl by 4 into x का dmx किया तो कितना गया wl by 4, एक तो x है माइनस, यहाँ पे क्या 2 से 2 कैंसिल पहले ही हो जा रहा है। अब देखिए x क्यूब है तो w by l into x क्यूब क्या क्या हो जाएगा दोस्तों, 3x square और डिवाइडेड बाय 3 है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको अपन को जीरो पुट करना है तो इक्वल्स कर देता हूँ मैं, इधर जाके जीरो हो जाएगा, w से w कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे अपना क्या आ गया x स्क्वायर इज इक्वल टू l, यहाँ चला जाएगा l स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, तो x इक्वल टू दोस्तों अपने पास क्या आ गया l बाय 2, x इक्वल टू क्या आ गया l बाय 2। कहने का मतलब एट द मिड स्पान मैक्सिमम, मैंने क्या कहा था मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये तो आ गई अपनी कि इस डिस्टेंस पे मैक्सिमम वैल्यू होगी, और वो कितनी मैक्सिमम वैल्यू की उसके लिए आप क्या करेंगे, x की l by 2 वैल्यू उठा के इस ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर दो तो मैक्सिमम मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी। वो अपन को इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है, अपन को इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ पूछा है कि वेयर वुड द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अकर, वो अपन ने बता दिया x एट x इक्वल्स टू l by 2 दैट इज एट मिड स्पान, और कितना होगा सॉरी वो भी पूछा है कितना होगा वो भी निकाल लेते हैं। देखिए l by 2 पुट कीजिए इसमें, फटाफट पुट कीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, आप मैं समझा रहा हूँ इतना टाइम लग रहा है, बट जब आप इसको अटेम्प्ट करेंगे तो विद इन 1 मिनट आप इसको सोल्व कर सकते हैं आराम से।
अगर आपने एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस पहले प्रैक्टिस कर रखे था, x इक्वल टू l बाई टू इसमें पुट कीजिए, एम एक्स की वैल्यू, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m एंड l बाई टू, दैट इज एट मिड स्पान, डब्ल्यू एल बाई फोर इंटू एल बाई टू माइनस हाफ ऑफ टू डब्ल्यू बाई एल इंटू एक्स क्यूब, दैट इज एक्स क्यूब एल एल क्यूब बाई डिवाइडेड बाई एट इंटू थ्री, नीचे थ्री भी है ना लास्ट में, भूल मत जाना उसको। तो यहाँ से देखिए डब्ल्यू एल स्क्वायर बटे एट माइनस टू से टू कैंसिल और एल डब्ल्यू एल क्यू एल से एल कैंसिल तो डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वेंटी फोर, तो यानी वन बाई एट माइनस वन बाई ट्वेंटी फोर, यानी ट्वेंटी फोर तीन माइनस एट दो, तो कितना गया डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व, ये कितना गया वन बाई ट्वेल्व, इसका मतलब मोमेंट की वैल्यू एट मिड स्पान इज इक्वल्स टू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व। तो कहने का मतलब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अकर्स एट द मिड स्पान एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वेल्व, तो ऑप्शन डी वुड बी द राइट आंसर। हेलो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें व बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे आपको हमारे चैनल का हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। theory2practical.com जो आपको प्रोवाइड कराता है मोस्ट पावरफुल स्टडी मटेरियल फॉर योर मोस्ट पावरफुल प्रिपरेशन।